उहे कान उहे बुद्धि नीतीश कुमार जी के का बतियेगी। अरे नीतीश जी के तो आंख में धुआं, हाथ में चीलम, आंख में धुआं। चीलम पर बात करिए, चीलम पर चले लगे। नीतीश कुमार जी जब तक चीलम ना चढ़ाई है तौले वो विधानसभा में अंदर ना बैठी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। नीतीश कुमार की आंख में धुआं और हाथ में चिलम होता है, ये कहना हमारा नहीं बल्कि ये कहना है बीजेपी की विधायिका भागीरथी देवी का। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं और हमला करते हुए ये कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लक्षण बिल्कुल औरतों वाले हैं, जो इधर उधर जाकर कानाफूसी करते हैं, अपना पाला और अपने दल को बदल लेते हैं, ये लक्षण बिल्कुल औरतों जैसे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा के अंदर जाते हैं तो उसके पहले गांजा फूंकते हैं, बिना गांजा फूंके वो विधानसभा में जा ही नहीं सकते। उसके बाद विधानसभा से जब वापस आते हैं तो अपने रूम में यानी कि अपने चेंबर में भी वो चिलम फूंकते हैं, इसके बिना तो वो रहते ही नहीं है। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं बगहा में बीजेपी विधायिका भागीरथी देवी की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर, किस तरीके से उन्होंने पहले नीतीश कुमार को एक औरत के लक्षणों वाला जो है वो नेता बताया और उसके बाद ये चिलम और गांजा की बातें उनकी तरफ से जो कही गई है हम आपको सुनवा। दूसरा पर का भरोसा, उनकर कान हम मेहरारू के जैसे औरत कहने के बाद इन्हें फुसकी, आने के बाद इन्हें फुसकी, उहे कान उहे बुद्धि नीतीश कुमार जी के का बतियेंगे। अरे नीतीश जी के तो आंख में धुआं, हाथ में चीलम, आंख में धुआं। चीलम पर बात करिए, चीलम पर चले लगे। नीतीश कुमार जी जब तक चीलम ना चढ़ाइए तौले वो विधानसभा में अंदर ना बैठी है। बोल उनकर एक एक हीड़ के हाल हमनी के जानता नहीं कि नीतीश कुमार कहाँ हुआ। तुरंत उठिए भीतर विधानसभा से, अपना लॉबी में जाइए ऑफिस में, वहाँ गांजा मरी है और फिर आके बैठिए। तो वो गांजा पी के बात करे ला नीतीश कुमार जी, उनकर चीलम हाथ में रहे, उनकर चांदी का चीलम नीतीश कुमार जी के, उनकर हाल हम जानता नहीं। कौना कायदा, कौना विचार, कौना कर्म के आदमी बढ़ नीतीश जी पर कोई विश्वास नहीं के, कोई वैल्यू नहीं के। आज हमने के धरना प्रदर्शन पर बैठल बनी, जनता के जनाओ तनी, जनता के धनबाद दे तनी कि जनता सही हो के, सही अपना विचार पर कि नीतीश जी के एक बात में कैसे नीतीश जी आवतारन, कैसे नीतीश जी जातारन, ए पर ध्यान देवे के बाद फिर लालू जी के संगे आके फिर वह धंधा शुरू हो जाए। कोई जनता दल बदलू आदमी के, क्यों दल बदलू आदमी हर जगह दौड़ के यहाँ दौड़ के हुआ। अरे वो का चल रही है, नीतीश तो अपने चढ़ाई बड़ा लालू जी के बेटा से देखे लालू जनता के, जनता जवाब दी, जनता लेके चली, जनता के ऊपर बात नीतीश आवस खड़ा उतरस, हमनियों को उनका साथ में खड़ा बानी, अपनी तो पानी पिया। धरना क्यों क्यों किया गया आपके द्वारा? आज धरना प्रदर्शन नीतीश कुमार जी के लेके, आज नीतीश कुमार जी हमने के साथे छल दागी करके, भाजपा के साथे छल दागी के ले, नीतीश कुमार के लेके हमने के धरना प्रदर्शन हर जगह हो रहा है, पूरे बिहार में आज हमनियों के धरना प्रदर्शन पर बानी। नीतीश जी जो हमने के साथ छल करके, बहुत जनता के साथ छल कैले, हमने के साथ छल भइल, जनता के साथ छल भइल, एकरा लिए हमने के कतई बर्दाश्त ना करें, ना जनता बर्दाश्त करी, आज वही के लेके वो धरना प्रदर्शन। क्या क्या आरोप लगा हुआ है? चीलम ये गांजा वजा पीते हैं। आरोप में कौन सी बात, सारा दुनिया जानता के जानता है, सारा दुनिया जान रहा बैठे कि हाँ वो माने सही ढंग से कोई से बात ना कैले आज तक ले, कोई विधायक से ना। चिलम उलम गांजा वजा पीते हैं, ये ऐसा कुछ आरोप लगा रही है कि चिलम पीते हैं, चांदी का चिलम रखते हैं। वो तो अपने खुद शराब बेचवा रहल बने, वो अपने शराब नीतीश जी बेच रहल बने, बेचवा रहल बने, आ गरीब सब के झूठ मूठ के गरीब आदमी के जेल भेजवाओ, जे नहीं के बेचत ओकरा के मैंने बेल पर छोड़ा,
जो शराब बेचता बेल पर छोड़ा होता लोग गरीब पिया था के जेल भेजवा होता। गांजा पे कुछ चिलम जो कह रहे थे चिलम उलम पीते हैं। चिलम गांजा का छोड़ी जोन बात अरे वो जोन बात सामने रख देनी जी।